चलिए आज एक नया टॉपिक आपको समझ रहा है, ड्रग यूज इन क्रिटिकल हैपनेस आईसीयू सीसीयू एंड ओटी इमरजेंसी। कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो कॉमन ड्रग यूज इन एमरजेंसी, लाइफ सेविंग ड्रग की बात करें जैसे एड्रेनालिन, एट्रोपाइन, जाइलोकार्ड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा अदर इमरजेंसी ड्रग जैसे मिडाजोलम, कॉमन ड्रग जैसे पॉइजनिंग के में एट्रोपाइन, पेप, डायजेपाम यूज़ की जाती है। इसके अलावा और बात करें कॉमन ड्रग जैसे कार्डियक अरेस्ट में एपिनेफ्रिन है, वैसोप्रिविन है, एंटी एरिथमिक है जैसे एमिनोडाइ है, लिडोकाइनिन है, या अदर ड्रग एट्रोपाइन है, कैल्शियम सोडियम है, बाइकार्बोनेट या थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स हैं, इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। एक और कौन कौन सी हैं ओपियोइड्स में, जैसे मॉर्फिन है, फिनेटाइल्स है, पैथाइडिन है, जाइलो नेलोजोन है, या बेंजो डाइजीपाम में देखें ब्राइजीपाम है, मिडाजोलोम है जैसे लारा जेपाम है, या फ्लूमा जेपनिल है, सेंडेटिव में प्रोपोफोल है, ठीक है, और सीसी में ज़्यादा लेनोकाइंस वगैरह ये प्रोपिनोल है, या एमी वो डारोन रोनोन है, या डिकजॉक्सिन है, या बेरापामिल है, या एड्रेसोन एस्प्रिन है, या एट्रोवास्टिन है, या जीएसटिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इस ठीक है ना, ये सब ड्रगें वहाँ पर पाई जाती हैं। कॉमन ड्रग एमआई के लिए कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, पेन के लिए मॉर्फिन यूज़ की जाती है, बेसोडाइलर के लिए नाइट्रोग्लिसरिन, एंटी कोगुलेंट के लिए हेपेरिन, एंटी प्लेटलेट्स के लिए एस्पिरिन, इसके बाद स्टूल शॉपनर के लिए क्रिमेफिन, या वैसोप्रेसर के लिए डोपामाइन या डोब्यूटामाइन यूज़ की जाती है। एंजाइना में ट्राइनिट्रेट या आइसोब्रिडिनिट्रेट या प्रोपानोल यूज़ की जाती है, बेरापामिल या एलोडिपाइन यूज़ की जाती है, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डायरेटिक जैसे एसी इन्विटर का कैप्टोप्रिल, एलप्रिल जैसे एबीसी में लॉस टॉम कैन डेसार टॉम, या डिजॉक्सिन या बीटा ब्लॉकर्स या प्लानेटर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स में जैसे लॉ क्या है, द लॉ इज अथोराइज द पब्लिश टू फर्स्ट टाइम 2023 बीएस अंडर द नारकोटिक ड्रग्स, जिसमें दिन दिस नारकोटिक ड्रग में जैसे कैपनिस है, मर्चुना है, मेडिकल कैप्स है, ओपियम है, प्रोसेस ओपियम है, मेडिसिनल ओपियम है, प्लांट्स एंड लीव्स कोका है, एनी सब्सटेंस टू प्रिपेयर द मिक्सिंग ओपियम द एक्स्ट्रा कोका है इंक्लूडिंग मिक्सिंग सॉल्ट, एनी नेचर ऑफ सिंथेसिस ड्रग द साइकोट्रॉपिक एंड सब्सटेंस सॉल्ट, इस तरह के ड्रग्स यूज़ की जाती है नारकोटिक ड्रग के अंदर जो नशीली ड्रग। केमिकल सब्सटेंस यूज टू द नारकोटिक ड्रग्स मे बी एक्सपोज द इम्पोर्ट स्टोर सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूज द चीप नारकोटिक ड्रग्स ऑफिसर्स फोर्स प्रोसीजर टू हैव लाइसेंस, ठीक है ना, इस तरह से ये ड्रग यूज की जाती है। अगर ड्रग कॉमनली यूज ऑपरेशन थिएटर बात करें तो एसिटिक ड्रग लोकल लिग्नोकाइंस, लिडकोकाइंस या पुपीपैक्सिन एससीएल, रीजनल स्पाइनल या एपिडुरल, इसमें जनरल के लिए नाइट्रस ऑक्साइड, एलोथीन, आइसोफ्लोरेन या सेफ्रेन, या थियोपेंटोन, या सोडियम या प्रोपोफोल इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। मसल्स रिलैक्सेशन के लिए सक्सिनाइल कोलाइन या वैक्यूरोनिन या एक्ट्राक्यूरिन क्यूरियम या मिवाक्यूरियम यूज़ की जाती है। डिटेल्स जैसे हम एक एक ड्रग को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जाइलोकार्ड क्या है, इसका ना लिग्नोकाइन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका जो ट्रेड नेम है जाइलोकार्ड या जाइलोकाइन या ऑक्टेकाइन या इस नाम से आते हैं। एंटी क्लासिफिकेशन एंटी एरिथमिक या लोकल एनेस्थेटिक के यूज में किया जाता है इसका यूज, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज जो एक्साइटमेंट है वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेस है उनको एक्शन को टिश्यू को क्या करता है, अपने नेटवर्क को उसको डिक्रीज करता है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देता है इसकी, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है वेंट्रिकुलर एरिथमिया जो हो रहा हो या एमआई कंडीशन में,
टॉक्सिसिटी में, कार्डिक सर्जरी में या कोई कैथराइजेशन में जनरल सिया सस्ती में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 50 से 100 ml बोलस इसमें दिया जाता है उसको, 25-50 पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से किया जाता है। इन्फ्यूजन में ड्रिप में 2 से 4 ग्राम पर मिनट के हिसाब से दिख देते हैं और लगभग, ठीक है ना, एनेस्थेटिक में ये 0.5 से इतना सॉल्यूशन ब्लॉक इस हिसाब से देते हैं। एपिडोरली 1% सॉल्यूशन देते हैं, 1.5 कैनुला देते हैं, स्पाइनल में 5% देते हैं, इस तरह से परसेंट के हिसाब से इसमें प्रोवाइड कराते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, लाइट हेडेक हो सकता है, क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो, डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, टिडनेस हो सकती है, विजन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, कार्डियो में ब्रैडीकार्डिया, हाइपोटेंशन, स्कुलर कॉलेप्स, ठीक, कार्डियक अरेस्ट, इस तरह के लीजन्स, यूटिकेरिया, एडिमा, हाइपोसेंसिटिविटी, इस तरह के हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग या गैस्ट्रिक हो सकता है। नर्सिंग क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, नर्सिंग कंडीशन बैन द इसको ECG मॉनिटर करते रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना चाहिए इस ड्रग को देते समय। इसके साथ साथ में एनेस्थेटिक नंबनेस या शुगर असेस करनी चाहिए, सीरम का लेवल कितना है उसको भी पता लगाते रहना चाहिए और, ठीक है ना, थ्रोट में स्प्रे करते रहना चाहिए जिससे क्या वो थोड़ा सा गैंग रिफ्लेक्स आता रहे। ठीक है, आई एम यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन को तो उसको डेल्टो मसाज में लगाना चाहिए। ठीक है ना, 1 से 2% सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। प्रोपोफोल्स का यूज, एक जनरल एनेस्थेटिक ड्रग होती है प्रोपोफोल्स, जैसे डिप्रीवेन या प्रोपोवेन या प्रेस से इसम के नाम, इसका काम क्या होता है, जो CNS को डिप्रेस करने के क्या करता है, इट प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंट CNS डिप्रेस बाय द एक्टिविटिंग गावा रिसेप्टर, जो एक्टिवेट गावा रिसेप्टर उसको डिप्रेस CNS को करके वो काम करता है। इस ये क्या करता है, जो एनेस्थीसिया की तरह करता है, सेंडेटिव या पेशेंट को वेंटिलेटर पेशेंट पर या डेटिव पेशेंट को या माइग्रेन पेशेंट पर यूज़ किया जाता है। इसकी डोज है IV 2 to 2.5 mg पर kg पर सेकेंड एंटर इसको दिया जाता है। जीएट्रिक में हम लोग कह सकते हैं 1 से 1.5 mg पर क्विल एंटर मेडिसिन तक दी जाती है इसकी। ठीक है, एडल्ट में 100 से 100 mg पर मिनट के हिसाब से चलता है, उसमें kg पर मिनट के हिसाब से चलता है। ठीक है, ये इंजेक्शन 10 mg पर ml पर एम्पुला के हिसाब से आता है। इसके साइड इफेक्ट क्या है, इनवॉलंटरी मूवमेंट, हेडेक और जिससे इंक्रीज ICP, सेरेब्रल फ्लो, सीजर्स, इस तरह की ब्रैडीकार्डिया, इस तरह की कंडीशन आती है। चलिए बाकी मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ।